ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला है और इसकी तीसरी समाप्त का सिलसिला इस वक्त जारी है। मकफा कुछ देर का आ गया है। अहम केस है, सबकी नजरें इस अहम केस पर और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत आज रात को जनाब खत्म हो रही है और हुकूमत के पास ये आखिरी मौका है कि वो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के इकदाम पर अदालत को मुतमईन करे। इस वक्त समाप्त वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तजा, खबरें ये भी आ रही हैं कि वो जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने एतराज उठाया था फारूक नसीम के लाइसेंस पर, वो मसला हल हो गया है और उनका लाइसेंस बहाल हो गया है, क्या खबरें हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हकीकत है और ये खबर है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उनको दरख्वास्त दी गई थी प्रोग्रेस टीम की जानब से और उन्होंने कहा था कि वो चीफ आर्मी स्टाफ के केस की जो पैरवी करना चाहते हैं और उनके वकील हैं और उन्हें मौका प्राप्त किया जाए कि उनका लाइसेंस जो मुअत्तल किया गया था उसे बहाल किया जाए। इस हवाले से फौरी तौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने इजलास बुलाया और इसी इजलास में उन्होंने टीम का जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया था उसको बहाल कर दिया है। वो अब इस केस में पेश हो सकते हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वकालत कर सकते हैं। ये बात अभी जो अमजद अली शाह हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बात कंफर्म की है कि हम फौरी तौर पर हमने ये कार्रवाई की थी और उनका लाइसेंस क्योंकि किसी को भी नहीं रखा जा सकता, समान इसलिए जरूरी है कि जो उनका राइट है वो अपना राइट इस्तेमाल करें, तो इसलिए अगर वो प्रोग्रेसी पेश होना चाहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से तो उनकी जानिब से ये पेश हो सकते हैं। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा गुलाम मुर्तजा, अभी वक्फे के बाद समाअत का दोबारा से आगाज हुआ है, वक्फे से पहले जो कार्रवाई रही जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए थोड़ा सा बताएगा कि वक्फे से पहले क्या हुआ? जी, जिस तरह समाअत शुरू हुई तो इस समाअत में ये सवाल उठाया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, जो जनरल है आपके बकौल जो कल आपने कहा था अदालत में तो वो रिटायर नहीं होते, तो हमें ये बताएं कि जनरल प्रवेश ज्ञानी और जनरल राहील शरीफ जो हैं वो कैसे रिटायर हुए हैं? अगर जनरल रिटायर नहीं होता तो फिर उनकी जो बरात हैं उनको बेनिफिट्स हैं वो किसने दिए हैं, किस तरह से दिए हैं, उनकी दस्तावेजात अदालत ने तलब की। इस मामले पर अदालत की मुआवनत करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इसमें हाजिर हूँ और आपकी मुआवनत करना चाहता हूँ। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर रिटायर नहीं होते जनरल तो पेंशन भी नहीं होती, हम जायजा लेंगे कि जनरल कियानी की तौसीक किन बुनियादों पर हुई थी, उसी वक्त में ये दस्तावेजात तलब की गई थी, उसके बाद 15 मिनट का वक्फा हुआ, वक्फे के बाद दोबारा केस की समाअत शुरू हुई और इस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि समरी जो आपने अभी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में उसमें अदालत का जिक्र किया गया है, हमें बीच में क्यों लाया गया है, ये गलत बात है, दस्तावेजात कुछ देर में पहुंच जाएंगी। अटॉर्नी जनरल पर पाकिस्तान ने कहा कि हम आर्टिकल 243 जो है उसके तहत आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती हमने की है और आज होने वाली तैनाती प्रसार किया गया कि आज होने वाली तैनाती कल से किस तरह मुख्तलिफ है।